सरकार ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि केंद्र सरकार का अनुमान है कि ऐसा करने से 37,500 करोड़ रुपीज वो बचा सकते हैं। अगर स्टेट सरकारों की बात करें तो उन्हें लगता है कि 82,500 करोड़ रुपीज बचेंगे। इस समय सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है वो काफी कम हो चुका है, जिसकी वजह से सरकार कई ऐसी इंडस्ट्रीज को इस समय पैसा नहीं दे पा रही है जो इंडस्ट्रीज उनसे पैसा मांग रही है। स्मॉल बिजनेसेस की बात करें, छोटे बिजनेसेस, अगर एमएसएमईज की बात की जाए, तो ये इंडस्ट्रीज सरकार से कह चुकी है कि उन्हें एक स्टिमुलस पैकेज, उन्हें एक ऐसे पैकेज की जरूरत है जिससे कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो सके। ये जो पैसा बचेगा इसका क्यूमुलेटिव अमाउंट जो है वो 1.20 लाख करोड़ रुपीज है। सरकार को लगता है कि ये पैसा अगर सरकार बचा पाएगी तो इसको उन जगह लगा पाएगी, उन इंडस्ट्रीज को दे पाएगी जो इस समय सरकार से स्टिमुलस पैकेज की दरख्वास्त कर चुकी हैं। जब से लॉकडाउन चालू हुआ है तब से कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो पूरी तरह से ठप हो गई हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार से मदद नहीं मिलेगी इन इंडस्ट्रीज को दोबारा खड़ा करना काफी मुश्किल रहेगा।